हेलो फ्रेंड, मैं आज बताता हूँ कि हम अपने मोबाइल से जो लोगो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके पिक आर्ट जो होती है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले से इसमें कर रखा है। पिक आर्ट ये होता है, इस पर मैंने क्लिक करा। जैसे आप पिक आर्ट पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे उसका एक वो होगा प्लस का चिन्ह, उस पर आपको क्लिक करना है, जो कि मैंने कर दिया है। तो चार ऑप्शन होता है, एक एडिट, एक कलेक्ट, एक ड्रॉ और एक कैमरा। तो आपको लोगो बनाने के लिए ड्रॉ पे क्लिक करना पड़ेगा। ड्रॉ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पेज के बारे में पूछेगा कि आप किस टाइप के पेज लेना चाहते हैं। तो क्रिएट न्यू पेज लेना है हमें, और मैंने ये 10x24 का पेज ले लिया है। और ओके करने के लिए हमें ऊपर एरो है जो पिंक कलर में है, उस पर हमें क्लिक करना है, और वो मैंने कर दिया है। अब यहाँ से मेरे को वो पेज मिल गया है, और ऊपर एक बार और हमें एरो पे क्लिक करना है, जो कि ये पेज सेव हो जाए। और सेव करने के बाद ऑप्शन पूछता है सेव करना है आपको पेज या एडिट करना है इमेज। तो हमें एडिट करना है, तो हमें नीचे एडिट वाले पे क्लिक करना है, और ये हमने एडिट का कर दिया है। अब ये हमारा पेज आ गया है पूरा, और इस पेज पे हमें सबसे पहले टेक्स्ट पे जाना है, क्योंकि लोगो बनाने के लिए मैं आपको अपना लोगो दिखाता हूँ कि मैंने अपना लोगो कैसे बनाया, पैट्स मिला का वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले टेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद मुझे पी लेना है, वो मैंने पी कैपिटल में ले लिया, और ये पी वाइट कलर का है। तो यहाँ नीचे दूसरे नंबर पर कलर को सेलेक्ट करके इसे हम येलो ले लेंगे, और ये मैंने इसे येलो कलर में ले लिया है। और फॉन्ट जो है वो मैंने अपना ये वाला फॉन्ट लिया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉन्ट मैंने ये वाला लिया था, ये फॉन्ट ले लिया है, और इसकी साइज़ मैंने इतनी कर दी है, और मैंने इसे साइड में लगा दिया है। ओके कर देना है। अब ये आपका पी बन गया। फिर साइड में जाके ड्रॉ होता है, ड्रॉ ऑप्शन देखना आप, ड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक करना, और ये तीसरे नंबर पे गोला होगा, तीसरे नंबर पे गोला और सर्कल होगा, उस पे क्लिक करना है, और ये लेना है, और फिल पे करना है, और ओके कर देना है। फिर हमारे जो सबसे फ़ोन के नीचे में देखना है डब्बा बना हुआ काले कलर का, उसे वाइट करना है, उस पे क्लिक करके वाइट कर दिया मैंने, और ओके कर दिया। फिर उसके बाद हमें अपने स्क्रीन पे टच करना है। जैसे हम टच करेंगे तो ये बन जाता है, इसे ऐसे करके हमें यहाँ पे लेना है। मैं इतनी सफाई से नहीं दिखा रहा हूँ, बस आप अपने सफाई से बना लेना, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको जल्दी दिखा रहा हूँ। और इसे ऐसे कर देना है, ऐसे करने के बाद हमें ऐसे करके कट मार देना है, जो कि मैंने कट मार दिया है, और ओके कर देना है। आपका पी बन गया। फिर पी बनने के बाद हमें टेक्स्ट पे जाना है, और यहाँ से ई लेना है, ई लेके ओके कर देना है। ओके करने के बाद कलर में मुझे ब्लैक लेना है, और फॉन्ट मेरे को वही लेना है जो मैंने पहले फॉन्ट लिया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉन्ट मैंने ये ले लिया, और इसे छोटा कर देना है, और पी के साइड में रख देना है, और ये मैंने रख दिया है, ठीक है। ओके कर देना है। फिर टी लेना है, टी लेके कलर मेरे को येलो लेना है, फॉन्ट वही लेना है, फॉन्ट मैंने वही ले लिया, और टी के पास मैंने रख दिया, ठीक है, और ओके कर दिया। अब ये टी पी के उससे थोड़ा निकल रहा है बाहर को, तो हमें ड्रॉ पे जाना है। ड्रॉ पे जाके वही फिल लेना है गोला, और फिल करना है, ओके कर देना है। ब्लैक को हटा के वाइट करना है, ओके कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे लेना है, और इसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, और इसे यहाँ पे लेना है। लेने के बाद ओके कर देना है। अब ये हमारा टी हट गया है, और फिर हमें अब एस लेना है, टेक्स्ट में जाके एस लेना है, ओके कर देना है, और इसे कलर ऑरेंज, फॉन्ट हमें वही लेना है जो पहले लिया था।
ऐसे लेके मैंने इसे छोटा कर दिया, साइड में रख दिया और छोटा कर दिया, साइड में रख दिया। आप सफाई से बना सकते हो, मैं ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ, और ओके कर दिया। अब ये हमारा पूरा पैट्स बन गया है। उसके बाद हमें फिर से ड्रॉ में जाना है, और ड्रॉ में गए हम, और वही गोले पे क्लिक करना है, टी के पास जो है, और इस बार फिल नहीं लेके स्टॉक लेना है और यही करना है। और यहाँ पे लेके ब्लैक को ऐसे करके हमें एक डब्बा बना लेना है, डब्बा बना के हमें पी के पास लगाना है और ओके कर देना है। फिर हमें टेक्स्ट पे जाना है, और टेक्स्ट पे जाके विला लिखना है। विला लग के वैसे विला लिखने के बाद मैं इसे कोई भी कलर दे सकता हूँ, आपका जो मर्ज़ी है वो दे देना। ऐसे करने के बाद हमें विला इस पे लगा के साइड ले जाके ऐसे कर देना है। आप सफाई से बना सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ आपको वैसे ही बना के, और ओके कर देना है। अब ये पूरा आपका एक लोगो बन गया है। आप इसे सेव कर सकते हो, अगर सेव नहीं करना और भी कुछ डिज़ाइन डालना है तो आप इसे टूल्स में जाके, जो मैंने करा था टूल्स में जाके, और ये सेव या तीसरे नंबर पे सबसे ऊपर में देखना, सेव में जाके इसमें आप ये ले सकते हो, गोला ले सकते हो, मैंने तो गोला लिया था, आप ये ले लेना। ओके कर देना इसे बढ़ा के, और ऐसे आपका एक लोगो बन जाएगा जिसे आप सेव कर सकते हो। ऊपर जाके सेव पे क्लिक करना है, और सेव पे क्लिक करने के बाद ये आपका सेव हो गया। एरो पे क्लिक करो, और ये मेरे फ़ोन में थोड़ी स्टोरेज ज़्यादा है इसलिए थोड़ा हैंग हो रहा है। आपको इस पे जाना है, और ये गैलरी सेव, गैलरी में आपको सेव कर देना है। अब आप अपने गैलरी को खोलेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, और अपने वीडियो पे आप इसे लगा सकते हैं, चैनल पे लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे से कोई गलती हुई है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है इस वीडियो में या कुछ भी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, जिससे मैं अपनी गलती को सुधारूं और नई वीडियो कुछ बनाऊं। धन्यवाद भाइयों।